and doing well. Okay, as you know that today is Saturday, and we have decided that we will solve MCQs on Saturday, and other 2 days we will solve others book chapters like chapter 2 जो हमारा चल रहा है. ओके, वी हैव कंप्लीटेड इन आवर फर्स्ट हैंड आउट ऑफ एमसीक्यूज अप टू क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक. और अगर आई थिंक 9, 10 मैंने सॉल्व नहीं किया था, और 10 मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है कुछ स्टूडेंट ने सॉल्व करके चेक करवाया था, दैट वाज राइट. और ओके, वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10. मे बी कुछ स्टूडेंट ने उसको सॉल्व नहीं किया, तो देख लें. तो हैंड आउट अपना ओपन कर लें एमसीक्यूज का, और उसका हम क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है दैट इज एक्स अपॉन वाई रेस पावर एम माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू y upon x raised to the power m minus 3 and we have to solve the value of m. What is the value of m which satisfies this equation? Okay, मैंने last time आपको जो है WhatsApp group में भी और कुछ individual students को भी मैंने जो है कुछ important rules send किए थे, जिसमें exponent के भी थे, logarithms के rules भी थे, और कुछ फ्रैक्शंस के रूल्स भी थे. ठीक है, वो बहुत बेसिक्स रूल हैं, बट उनको हम अपने एमसीक्यू में सॉल्व करते हैं, उनको यूज करते हैं. तो बाद अवकात कुछ बेसिक्स भी काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं. ठीक है, और डिफिकल्ट वो होते हैं जो समझ में ना आए. अगर समझ में आ गया है तो आप डिफिकल्ट को कहते हैं कि ये बहुत ईजी है, तो इट्स मीन आपको वो समझ में आ गया. तो उन रूल्स को अगर हम देखते हैं, तो उस रूल के अंदर मैंने एक रूल आपको डिफाइन किया था कि अगर हम किसी ब्रैकेट के अंदर कोई फ्रैक्शन चेंज करते हैं, तो पावर में नेगेटिव का साइन आ जाता है. फ्रैक्शन चेंज करें, पावर में नेगेटिव का साइन आ जाएगा. तो ये x अपॉन y है, ये y अपॉन x है. आप इसको x अपॉन y कर दें, इसकी पावर में नेगेटिव का साइन आ जाएगा. ये एज इट इज. So, base are same, then their power will be equal. अगर base same हो तो उनकी पावर आपस में इक्वल होती है. तो यहां से आप डिफाइन कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज m माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम m माइनस 3. नाउ विल कंप्यूट द वैल्यू ऑफ y इजिली. अब हम यहां से इजिली जो है y की m की वैल्यू जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं. यस yes. m minus 1 is equal to minus m plus 3, m plus m is equal to 3 plus 1, 2m is equal to 4, m is equal to 4 by 2, m is equal to 2. So this is your option, is option B. Option B is your answer. Okay ji, next question dekhega, question number 11. It is given that 4x is equal to 8y and we have to compute the value of x upon y minus 1. Okay guys, this question can be given as in shape of ratio form, like फोर रेशो वाई डबल रेशो 8:x. इफ दिस वन देन फाइंड एक्स रेशो वाई माइनस 1. ओके, अगर अगर मैं इस क्वेश्चन को रेशियो फॉर्म में डिफाइन करूं, दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज इन टर्म ऑफ रेशियो फॉर्म,
तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं, बोथ आर सिमिलर। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो मे भी कुछ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही ना कर पाए कि इसमें गिवन क्या है और मैंने इसमें क्या फाइंड कर। बट नाउ हियर हमें इजीली पता है कि हमारे पास गिवन क्या है और हमने क्या फाइंड कर। तो देखो एमसीक्यूज में ना एग्जामिनर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन किसी भी शेप में दे सकते हैं। अब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप क्वेश्चन को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, है ना। अगर 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 ये गिवन है, इफ दिस वन इज गिवन, तो दिस कैन बी रिटन एज 4 अपॉन y इज इक्वल टू 8 अपॉन x। इसको हम इस शेप में लिख सकते। देन दिस कैन बी रिटन एज 4x इज इक्वल टू 8y। सो ये वही वही केस आ गया। तो एग्जामिनर आपको ये सीधा सीधा क्वेश्चन जो है इस तरह से घुमा के लिख के दे सकते। तो ये अब आपको पता होना चाहिए कि मतलब इसका क्या है। ये आपकी एबिलिटी होगी कि आप क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करते। फिर उसने कहा इसकी वैल्यू कंप्यूट करें, इसकी वैल्यू कंप्यूट करें, तो एक्स रेशियो वाई का मतलब क्या होता है, एक्स अपॉन वाई माइनस। तो देखो ये वही क्वेश्चन आ गया जो आपको यहाँ पे गिवन है। ओके जी, अब इसको हमने सॉल्व करना। तो यहां से पहले आप एक्स अपॉन वाई की वैल्यू निकाल लें जो आपके पास गिवन है। जो चीज गिवन है आपके पास वहां से एक्स अपॉन वाई की वैल्यू निकाल लें। दिस इंप्लाइज एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 8 अपॉन 4। एक्स अपॉन वाई जो है ये आपके पास आ जाएगा 2 के इक्वल। फ्रॉम गिवन कंडीशन, ये गिवन कंडीशन है, यहां से आप एक्स अपॉन वाई की वैल्यू निकाल। तो एक्स अपॉन वाई क्या बन जाएगा, 2। अब जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है उसमें इसकी वैल्यू पुट कर दें। सो एक्स अपॉन वाई माइनस 1, इसका आंसर क्या आ गया आपके पास। मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी ना, इसके लिए 2 है ना आपके पास, इसको 2 पुट कर दें। 2 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, 2। 2 माइनस 1 1 हो गया आपके पास, तो इसका आंसर आपके पास आ गया 1। सो ऑप्शन इज ए। सो टेकिंग इट्स स्क्रीनशॉट, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Now 12 to onward, there are some questions are defined in logarithms conditions. And what is the logarithms? पहले मैं थोड़ा सा logarithm को थोड़ा define कर दूँ, then we comes to the next question, question number 12 and onward. Okay? ओके जी, व्हाट इज अ logarithms? Logarithms क्या होता है, हमने अक्सर जगहों पे इसको यूज भी किया है, हम इसको पढ़ते भी रहते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ हाउस साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ हाउस साइड। अगर हम किसी वैल्यू का लॉग रिथम कंप्यूट करते हैं तो हम कैलकुलेटर उठाकर लॉग का बटन प्रेस करते हैं, वैल्यूज को लिखते हैं और उसका लॉग रिथम कंप्यूट कर लेते हैं। दैट्स ऑल, वो हमारे पास लॉग आ जाता है, हम उसको अपने क्वेश्चन के अंदर यूज कर लेते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि व्हाट इज अ लॉग रिथम्स, तो वो उसको डिफाइन करने में फेल हो जाते हैं, वो उसको डिफाइन नहीं कर पाता। मैं ऑल स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं मोस्टली स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। मोस्टली स्टूडेंट्स लॉगरिथम्स के बारे में नहीं जानते कि व्हाट इज अ लॉगरिथम्स, लॉगरिथम क्या होता है, लॉगरिथम को क्यों यूज करते हैं, लॉगरिथम कब यूज किया जाता है, लॉगरिथम को कहाँ पे यूज किया जाता है, एंड सो ऑन। मतलब कोई आपके सामने कोई ऐसा प्रॉब्लम पड़ा हुआ है जिसको आपने सॉल्व करना है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि मैंने इस क्वेश्चन के अंदर लॉगरिथम को यूज करना है या नहीं करना। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस।
अगर आपसे पूछा जाए कि लॉग को कैसे यूज करते हैं, वो आप इजीली बता सकते हैं कि ये वैल्यू है, ये इसका लॉग है, ये इसका एंटी लॉग है, ये सो ऑन, मतलब आप कैलकुलेटर उठा के उसको इजीली कैलकुलेट करके बता सकते हैं, बट उसकी डेफिनेशन क्या है वो आप डिफाइन कर सकते। तो लॉगरिथम के जो बेसिक्स डेफिनेशन होती है, अगर हम इसको डिक्शनरी में देखते हैं, तो इसके जो बेसिक्स डेफिनेशन आते हैं वो मैं इसको एसी वर्डिंग में डिफाइन कर रहा हूं। टू कंप्यूट द पावर ऑफ एन एलिमेंट, ये इसके बेसिक्स मीनिंग है लॉगरिथम्स की। मीनिंग की बात कर रहा हूं, डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा, मीनिंग है इसके। लॉगरिथम के मीनिंग है कि आपने किसी एलिमेंट की पावर को कंप्यूट करना, जैसे जस्ट लाइक 2 पावर ऑफ 3 क्या होता है, 8, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 5 का क्यूब क्या होता है, 125, ये है लॉगरिथम्स। अब आप कहेंगे सर इसमें तो लॉग यूज ही नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ हुआ, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि लॉगरिथम्स के बेसिकली मीनिंग क्या होता है, मैंने मीनिंग की बात की। अच्छा, अब अगर आपसे ये कहा जाए, ओके ये हमने कंप्यूट कर लिया, अब अगर आपसे ये कहा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 रेज पावर 1.5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 रेज पावर -0.05, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 रेज पावर 1.575। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी पावर हम कंप्यूट करने के लिए अपने कैलकुलेटर को उठाएंगे, कैलकुलेटर को उठाएंगे, 2 की पावर ये लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। मतलब ये ऐसी पावर्स हैं जिनको हम डायरेक्ट, हमारे माइंड में होते हैं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये ऐसी पावर्स आ गई जिनको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हम अपने कैलकुलेटर को यूज करके इनकी पावर्स को कंप्यूट कर लेते हैं। ओके, इफ 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 8, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब ले देके हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, हम 8 को लिख देंगे 2 की पावर 3 और 2 की पावर x, बेस सेम हो गए, आपकी पावर्स इक्वल हो जाएंगी, हमने x कंप्यूट कर लिया। और अगर आपके पास इसी टाइप का क्वेश्चन इस अंदाज में आ जाए, इफ 2x इज इक्वल टू 1.575, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब देखें इसमें भी आपने एलिमेंट की पावर कंप्यूट की, इसमें भी आप एलिमेंट की पावर कंप्यूट कर रहे हैं, इसमें भी आपने एलिमेंट की पावर को कंप्यूट किया, x को कंप्यूट किया, दैट इज 3। इस क्वेश्चन में भी आप एलिमेंट की पावर को कंप्यूट करें, दैट इज x। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप ना तो खुद सॉल्व कर सकते हैं ना आपका कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं। ये वो क्राइटेरिया है, ये वो स्टेप है क्वेश्चन का, ये वो स्टेप है प्रॉब्लम का, जहां पे हम लॉगरिथम यूज करके एक्स कंप्यूट करते हैं। बट यहाँ पे ना हम फेल हो जाते हैं, हम डायरेक्ट कंप्यूट नहीं कर सकते, हम अपना कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपने कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे भी हम ले दे के डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर ओके, कैलकुलेटर यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट यहां पर हमें कैलकुलेटर यूज करने के लिए एक्स की डिफरेंट वैल्यूज को यहां पे पुट करके चेक करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे ये आंसर आ रहा है, और उस एक्स को हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके लिए हो सकता है आपका पहला पहला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर दे, आप कोई कोई एक पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करें, 2 की पावर कंप्यूट करें और ये आंसर आ जाए, मे भी हो सकता है पहला पॉइंट ही आपका आंसर हो। ये भी हो सकता है अगर आपने यहाँ पे एक्स को 1 रखा, 2 रखा, 1.2 रखा, 1.3 रखा, -1.2 रखा, और आप पुट करते जा रहे हैं और ये आंसर नहीं आ रहा, और आप 100 टाइम एक्स को चेक कर चुके हैं, ये आंसर नहीं आ रहा, तो मे बी ये आपसे बहुत ज्यादा टाइम भी ले सकता है, और हो सकता है पहली पहली वैल्यू के अंदर आपको ये आंसर दिया जाए। बट कैन बी सॉल्व, इसको सॉल्व किया जा सकता है, ये नहीं कि सॉल्व नहीं कर सकते,
बट क्या है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी खर्च हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। माइंड की बात है ना, कोई स्टूडेंट डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकाल सकता है। ये आपको स्टूडेंट लगा हुआ है एक्स की जगह 1 रख रहा है, 2 रख रहा है, 3 रख रहा है, 4 रख रहा है, 5 रख रहा है, 5.1, 5.2, 5.3, जब तक उसका आंसर ये नहीं आता तो उसके तो बहुत टाइम चाहिए फिर। तो इस केस में इन टॉपिक्स के अंदर, इन जगहों के अंदर, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये सिचुएशन अकर हो जाए, हम वहां पे फिर लॉगरिथम को यूज करते हैं। तो ये जो लॉगरिथम्स है, इसका मतलब हो गया कंप्यूट द पावर ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट की पावर को कंप्यूट करना, ये पावर क्या हो। तो इन तमाम सिचुएशन के अंदर, इन तमाम प्रॉब्लम्स के अंदर जहां पर आपके पास ये कंडीशन आ जाए, वहां पे लॉगरिथम को यूज कीजिए। इट इज ऑफ टू टाइप, लॉगरिथम जो है वो दो टाइप का होता है। एक को हम कहते हैं अपना नेचुरल लॉगरिथम्स, एक को हम कहते हैं बेसिक्स, एक को हम कहते हैं नेचुरल। ये इसकी दो टाइप, और वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, क्योंकि बेसिक्स नेचुरल और इनमें डिफरेंस क्या है। बेसिक्स लॉगरिथम एक ऐसा लॉग होता है जिसका बेस 10 होता है, और नेचुरल लॉगरिथम एक ऐसा लॉग होता है जिसका बेस e होता है। अच्छा, बेस का क्या मतलब है, मतलब 2 की पावर x में जो है ये बेस है और ये इसके एक्सपोनेंट, जिसको आप पावर भी कहते हैं। मतलब जो बेस होता है ना, आप उसकी पावर को डिफाइन करते, बेस की पावर को। तो बेस की जगह यहां 10 भी आ सकते हैं, 10 की पावर 2 क्या होता है 100। तो अगर बेस 10 है तो आप ये लॉग यूज करेंगे, और अगर बेस ई है, ई एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसमें हम एक्स की डिफरेंट पावर लेकर इसको कंप्यूट करते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर। तो अगर बेस ई है तो फिर हम ये वाला लॉग यूज करते हैं, ठीक है। लॉग बेस ई को हम एल एन भी लिखते हैं, लॉग नेचुरल, एल एन का मतलब होता है लॉग नेचुरल। ये एक ऐसा लॉग होता है जिसका बेस ई होता है, मतलब इसके अंदर सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें ई की पावर को आपने कंप्यूट करना होता है। ई इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी फंक्शन आपके कैलकुलेटर के अंदर होते हैं, और ये वाला फंक्शन भी आपके कैलकुलेटर के अंदर, मतलब ये दोनों किस्म के लॉग आपके कैलकुलेटर में है, इनको ज्यादातर यूज किया जाता है। वैसे लॉग जो होता है वो आपका बेस 2 का भी होता है, जिसको हम बाइनरी लॉग कहते हैं। तो ये हमारी फील्ड नहीं है, ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, बाइनरी लॉग। बाइनरी जिस बाइनरी नंबर्स होते हैं ना 0 1 की शेप में, तो वहां पे हम बाइनरी लॉग को यूज करते हैं, लॉग 2 को। तो अगर हम बेस को चेंज करते हैं ना, तो हमारा लॉग चेंज हो जाता है, लॉगरिथम की डेफिनेशन चेंज होती है, जिसका बेस चेंज होता है। तो नॉर्मली ये दो लॉगरिथम्स ऐसे हैं जिसका बेस 10 होता है और जिसका बेस ई होता है, इनको ज्यादातर यूज किया जाता है, क्योंकि 10 आपका डेसिमल सिस्टम होता है ना, तो डेसिमल सिस्टम हमारे मैथमेटिक्स में अक्सर जगहों पर, मतलब मोस्टली जगहों पर डेसिमल सिस्टम यूज होता है, बाइनरी सिस्टम यूज नहीं हो जाता। बाइनरी सिस्टम सिर्फ कंप्यूटर साइंस की फील्ड में यूज होता है, बाकी उसके अलावा हमारा डेसिमल सिस्टम होता है। तो डेसिमल सिस्टम का जो लॉग होता है उसको हम कहते हैं बेसिक लॉग। बेसिक लॉग को आप लॉग बेस 10 भी लिखते हैं और इसको खाली लॉग भी लिखते हैं, एल ओ जी। तो अगर एल ओ जी लिखा हुआ है ना, तो आप समझ जाए ये बेस 10 का लॉग है। अगर लॉग में कोई बेस नहीं लिखा हुआ तो आप उसको 10 अज्यूम करेंगे, और अगर एल एन लिखा हुआ है तो फिर आप उसको अज्यूम करेंगे कि ये लॉग ऐसा जिसका बेस। तो ये दो किस्म के लॉग हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने डिफरेंट प्रॉब्लम्स के अंदर, जहां पे ऐसी सिचुएशन अक्कर हो जाए। ओके जी, उसके बाद कुछ और जो है इनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज को। लॉगरिथम जब आप किसी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, जैसे एल ओ जी है बेस 10, उसी एलिमेंट के ऊपर, अगर लॉग बेस 10 है आप उसी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, मतलब जो बेस है और सेम वही एलिमेंट है, ये उसका आंसर 1 आपको देगा। अब जरा आप अपने कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, लॉग
10 का आंसर आपको 1 मिलेगा। आप अपने कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। log 10, log का मतलब है base 10। अगर आप log 10 को अप्लाई करेंगे इसका आंसर आपको 1 मिलेगा। अच्छा, जैसे जैसे मैंने कहा इसी तरह ये ln अगर e के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये आपको 1 मिलेगा, क्योंकि ln क्या होता है, ln एक ऐसा log होता है जिसका बेस e होता है। तो e log का बेस अगर आप e के ऊपर अप्लाई करेंगे उसका आंसर 1 मिलेगा। ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, ये कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिनको हम आंखें बंद करके यूज करते हैं बगैर कैलकुलेटर के। अगर ये चीज हमारे सामने लिखी आ जाए तो हम डायरेक्ट उसका आंसर 1 लिख देते हैं और कैलकुलेटर को भी यूज नहीं करते। ओके जी, इफ 2^3 इज इक्वल टू 8, इसको हम लॉगरिथम शेप में कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं log of 8 base 2 is equal to 3। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ये इक्वेशन है, इसको लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिखेंगे, या ये लॉगरिथम इक्वेशन है इसको विदाउट लॉगरिथम कैसे लिखेंगे, मतलब यहां से यहां भी जा सकते हैं यहां से यहां भी आ सकते हैं। तो इस इक्वेशन में बेस क्या है, बेस वो होता है जिसकी पावर होती है, तो बेस 2 है, तो ये जो बेस 2 है ये लॉग के बेस में आ जाएगा। यहाँ पे हम बेस को लिखते हैं और किसका एलिमेंट का लॉग निकालना है, ये 8 का, 8 का लॉग लेना है बेस 2 में। इसका क्या मतलब है, बेस की क्या पावर लें कि आंसर ये आ जाए, बेस की पावर क्या लें कि आंसर 8 आ जाए। तो 2 की पावर 3 8 होता है, तो लॉग 8 बेस 2 का आंसर 3 हो गया। जैसे मैंने कहा टू कंप्यूट द पावर ऑफ एन एलिमेंट, हमने इसकी पावर को कंप्यूट करना है, 8 का लॉग लेने का मतलब है इस बेस की पावर क्या लें कि ये आंसर आ जाए। दैट इज योर लॉगरिथम्स आंसर, पावर जो होती है वो उसका आंसर होता है। ओके, इसके रिस्पेक्ट से अब आप मुझे ये डिफाइन करें कि अगर मुझे लॉग 100 का आंसर निकालना, अब लॉग का मतलब है बेस 10, इसका आंसर 2 होगा। भाई अगर यहाँ बेस 10 है तो 10 की पावर क्या लें कि वो 100 हो जाए, तो 10 की पावर 200 होता है ना, तो log 100 इज इक्वल टू 2 होगा। आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। सिमिलरली log 1000 क्या होगा, ऑब्वियसली 3। अच्छा जी, उसके बाद मुझे बताइएगा log 0.01 क्या होगा, मतलब मैं यहाँ पे 10 की पावर क्या लूं कि मेरे पास आंसर जो है 0.01 आ जाए। 0.01 का मतलब होता है 1/100। तो 1/100 को आप लिख सकते हैं 10^-2, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो इसका मतलब है यहाँ पर 10 है तो 10 की पावर क्या लें कि ये आंसर आ जाए, दैट इज -2। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जस्ट लाइक 0.something, आप समझे इसकी पावर नेगेटिव में आएगी। देखो ना यहाँ पे 0 नहीं है ना, यहाँ पे 0 नहीं है, पावर लॉगरिथम कहां से प्लस में आ रहे हैं। जैसे कोई ऐसा एलिमेंट आएगा 0.something, आप समझे मेरा लॉग नेगेटिव में आएगा। अब मुझे बताओ लॉग 1 का आंसर क्या होगा, लॉग 1 का मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ पे बेस 10 की पावर क्या लूं कि आंसर 1 हो जाए, 0, 10 की पावर 0 1 होता है ना, तो लॉग 1 हमेशा 0 होता है। अब आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं इसको। सिमिलरली अगर आ जाए ln 1 तो वो भी 0 होगा। और अगर मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूं कि लॉग 0 क्या होगा, अब इसका क्या मतलब है, मैं यहां पे 10 की पावर क्या लूं कि उसका आंसर 0 हो जाए, 10 की पावर क्या लें कि उसका आंसर 0 हो जाए। यस, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम 10 की पावर कुछ लें और वो 0 हो जाए। मींस अगर आप 10 की पावर 0 लेंगे वो 1 हो जाएगा,
टेन की पावर वन लेंगे वो 10 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस वन लेंगे तो वो 0.1 हो जाएगा। मींस यहां पर हम कोई ऐसी पावर कंप्यूट नहीं कर सकते जिसको 10 की पावर में कंप्यूट करें वो जीरो हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। आप देखें आपका कैलकुलेटर यहाँ पे सिंटेक्स एरर दे देगा, इट कैन नॉट बी सॉल्व, इट कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसका कोई आंसर नहीं होता। लॉग जीरो को हम कंप्यूट नहीं कर सकते सिंपल इसके, क्योंकि बाय डेफिनेशन हम 10 की पावर कुछ नहीं ले सकते जिसके जिसके साथ उसका आंसर जीरो आ जाए, इट कैन नॉट बी सॉल्व। तो ये हमारा थोड़ा सा बेसिक्स कंसेप्ट था लॉगरिथम्स का। अक्सर स्टूडेंट्स को लॉग का पता नहीं होता, बट उनको यूज करना आता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। एंटी लॉग क्या होता है, वो आपका जो है लॉगरिथम किसी भी इक्वेशन के अंदर से अगर आप उसको रिमूव करना हो, लॉग को अगर आपने खत्म करना हो, तो आप इक्वेशन के बोथ साइड एंटी लॉग अप्लाई करते हैं। एंटी लॉग क्या काम करता है, आपके लॉग को रिमूव कर देता है। तो अगर किसी प्रॉब्लम के अंदर लॉगरिथम पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसका एंटी लॉग लेके उस लॉग को वहां से खत्म कर सकते हैं। तो लॉग को अप्लाई कहाँ पे किया जाता है, जहां पर आपने किसी एलिमेंट की पावर को कंप्यूट करना हो, आपके लिए मुश्किल हो रहा हो, तो आप वहां पे लॉग को यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के अंदर हम लॉग को यूज करें पावर कंप्यूट करने के लिए, जहां पर आप इजिली पावर कंप्यूट कर सकते हैं कैलकुलेटर के साथ वहां पे आप लॉग को यूज नहीं करते। मजबूरन हमें वहां पे लॉग को यूज करना पड़ता है जहां पे हम खुद अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते या कैलकुलेटर हमें सॉल्व करके उसका आंसर प्रोवाइड नहीं कर सकता, फिर हमें मजबूरन वहां पे लॉग को यूज करना पड़ता है। वरना आप यहाँ पे भी लॉग को यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी लॉग को यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी लॉग को यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी लॉग को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हम इजिली सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे हम लॉग को यूज नहीं करते, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते इजिली, इसलिए हम यहाँ पे लॉग को यूज करते हैं। बोथ ऑफ साइड लॉग को अप्लाई करेंगे, इसकी पावर बेस में आएगी, एक्स नीचे आ जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आपको बता भी देता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले, मे बी अगर कोई स्टूडेंट इसको बहुत बेसिक समझ रहे हैं तो वो उसकी मर्जी है, बट मेरा काम है आपको समझाना, क्योंकि मेरे माइंड के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इस चीज का नहीं पता होता। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो फिर तो आपको समझना चाहिए ना ये चीज। ओके जी, इफ 2x इज इक्वल टू 1.575 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ ऑफ साइड। लॉग की प्रॉपर्टी, कल मैंने जो फार्मूलाज भेजे थे उसमें लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, ये बेस जो पावर है ये बेस में आ जाएगा और लॉग अप्लाई होगा 2 के ऊपर। ओके जी, मुझे एक्स चाहिए, लॉग टू को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दें। अब आपका कैलकुलेटर है, आपके फिंगर्स हैं, लॉग 1.575 निकालें, लॉग टू कंप्यूट करें, दोनों के आंसर को डिवाइड करें, दिस इज योर आंसर एक्स, जो इसकी पावर होगी। इसकी पावर ये आ रही है, तो ये जो x है ये इसकी पावर को आप यहां से कंप्यूट कर सकते हैं बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहां पे ln यूज नहीं करना, क्योंकि ln आप उस वक्त यूज करेंगे जब आपकी किसी भी इक्वेशन के अंदर इस टाइप का फंक्शन आ जाएगा। जब इस टाइप का फंक्शन आएगा और आपने x को कंप्यूट करना होगा, तो आप देखें e की पावर x जहां पे आएगा ना, वहां पे जब भी आप log को यूज करेंगे फिर आप ln अप्लाई करेंगे बोथ ऑफ साइड, फिर आप log अप्लाई नहीं करेंगे। log उस वक्त अप्लाई करेंगे जब आपके पास किसी भी प्रॉब्लम के अंदर ex नहीं है, और जब किसी प्रॉब्लम में ex आ गया और आपने वो x कंप्यूट करना है तो आप ln को यूज करेंगे, फिर log यूज नहीं करेंगे। यहां पर ln को अप्लाई करेंगे, यहां पर LOG अप्लाई कर। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, LN कहां पे अप्लाई होता है, LOG कहां पे अप्लाई होता है। ये बेस 10 का लॉग है, ये बेस E का लॉग, नो डाउट बेस E का लॉग वहां पे यूज होगा जहां पे आपको E की पावर X नजर आएगा।
अगर किसी इक्वेशन में, किसी प्रॉब्लम में e की पावर x नजर आ रहा है और आपने x कंप्यूट करना है, तो ln यहाँ पे अप्लाई। ओके जी, अब हम आते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन नंबर था हमारा 12 था क्वेश्चन नंबर। यस, क्वेश्चन नंबर 12। ओके जी, इसका बेशक अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें बिल्कुल ले लें, इट इज योर राइट। आई थिंक अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जो हम लॉगरिथम्स जहां पे अप्लाई करते हैं बार बार, क्यों अप्लाई करते हैं और किन सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, आई थिंक अगर आपको आइडिया हो गया होगा, किसी स्टूडेंट को पहले से आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है इसकी। ओके जी, क्वेश्चन 12 देखिएगा। 12 में आपको एक लॉगरिथम एक्सप्रेशन दी है, लॉग ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस लॉग बी स्क्वायर अपॉन ए सी एंड प्लस लॉग सी स्क्वायर अपॉन ए। ओके, कहता है ये एक एक्सप्रेशन है, लॉगरिथम एक्सप्रेशन है, नो डाउट, इसमें लॉग नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन की आप वैल्यू बताएं क्या होगी, इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू बताएं। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये, इस पे आप डिफरेंट लॉग की प्रॉपर्टी जो जो अप्लाई हो सकती है उसको अप्लाई करें और अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखकर इसका आंसर बताएं क्या होगा। तो कल मैंने आपको रूल्स प्रोवाइड किए थे लॉगरिथम के, तो लॉगरिथम का एक रूल आपके पास तो ये है कि अगर दो लॉग हैं, दो लॉग उनके बीच में प्लस आ रहा है, तो आपने इन दोनों लॉग को मल्टीप्लाई कर। ये मैं एक ओवर व्यू दे रहा हूं आपको, बाकी लॉग के साथ कुछ भी हो सकते हैं वो मैं नहीं लिख रहा, मैं एक ओवर व्यू दे रहा हूं। दो लॉग के बीच में प्लस है तो आप उन दोनों लॉग को मल्टीप्लाई कर, मतलब जिन वैल्यूज के दरमियान में लॉग आ रहे हैं ना, आप उन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें। ओके जी, अगर दो लॉग के बीच में माइनस आ रहा है तो आप जिन वैल्यूज का लॉग ले रहे हैं ना, उन वैल्यूज के दरमियान आप डिविजन अप्लाई करें। और अगर कोई लॉग ऐसा दिया हुआ है जस्ट लाइक किसी एलिमेंट की पावर, तो फिर वो एलिमेंट बेस में आ जाता है और आप लॉग को बेस पे अप्लाई करते हैं। ये एक ओवरव्यू है 3 फार्मूलाज का जो ज्यादातर हम यूज करते हैं। ओके, लॉग प्लस लॉग प्लस लॉग, तो 3 लॉग हैं, उनके बीच में प्लस का साइन आ रहा है। इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग, ये 3 एलिमेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर, अगर लॉग के बीच में प्लस आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई, अगर लॉग के बीच में माइनस आ रहे हैं तो उनको डिवाइड। तो प्लस का साइन था, मैंने लॉग लिखा और ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट मैंने मल्टीप्लाई, मैंने यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अब ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको आपस में कैंसिलेशन करें, क्योंकि अब ये कैंसिल भी हो गई, ए इंटू ए, ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बी इंटू बी, ये बी का स्क्वायर हो जाएगा और ये बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सी इंटू सी, ये सी का स्क्वायर हो जाएगा और ये सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास लॉग क्या बचा, 1, और लॉग 1 क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, सी ऑप्शन देख लें, ऑप्शन ए आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ लॉग एक्स अपॉन वाई प्लस लॉग वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई, देन
एक उसने आपको लॉगरिथम इक्वेशन दी हुई है और वो आपसे ऑप्शन में देखें क्या दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन। अगर हम ऑप्शन को देखते हैं, मतलब अगर अगर हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व में नहीं आता ना, हम उसके ऑप्शन को भी चेक करते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन से भी कुछ हिंट मिल जाता है कि हम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। जैसे हमारा 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन उसने लॉग एक्स अपॉन वाई दिया हुआ है, लॉग वाई अपॉन एक्स दिया हुआ है और इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई दिया हुआ है और कह रहा है कि देन करके उसने आगे ऑप्शन दे दिया। तो अब हमने इसके साथ क्या करना है, इस इक्वेशन के साथ क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस पे लॉग की प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, क्या करना है इसके साथ। फिर हमने ऑप्शन देखा, ऑप्शन हमें ये बता रहा है कि आपने इस इक्वेशन के अंदर से लॉग को खत्म करना। देखो ऑप्शन में कहीं पर भी लॉग नहीं आ रहा, इट्स मीन आपने अपनी इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करना है कि इसमें से लॉग कंप्लीटली खत्म हो जाए। तो लॉग को खत्म करने के लिए पहले हम क्या काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें दो लॉग के बीच में प्लस आ रहा है, तो पहले तो आप इस पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, एक्स अपॉन वाई इंटू पाई अपॉन एक्स। सेम ये प्रॉपर्टी, दो लॉग के बीच में अगर प्लस है तो ये दोनों एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाए। ओके जी, आपका एक्स कैंसिल हो गया, आपका वाई कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया लॉग वन इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई। अब हम यहाँ पे लॉग वन को जीरो पुट नहीं करेंगे, ख्याल कीजिएगा, ओके, बाय ऑप्शन, ऑप्शन में हमने लॉग को खत्म करना है, लॉग की वैल्यू कंप्यूट नहीं करनी। अगर कंप्यूट करेंगे तो आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब क्या करेंगे, हमने लॉग को खत्म करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ हाफ साइड। जब आप एंटी लॉग को बोथ हाफ साइड लेंगे, आपका ये लॉग इस लॉग से कैंसिल हो जाएगा। जब आप एंटी लॉग लेंगे ना इस साइड पे, एंटी लॉग इस लॉग को खत्म कर देगा, एंटी लॉग इस लॉग को खत्म कर देगा, जैसे नजर भी आ रहा है कि इस लॉग को मैंने इस लॉग से कैंसिल कर दिया, क्या बच गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल, दिस इज योर आंसर। और इसको आप ऑप्शन में देख लें क्या लिखा हुआ है, दैट इज ऑप्शन डी। और अगर आप सपोज यहाँ पे जीरो लिख देते हैं, लॉग वन जीरो होते हैं ना, यहाँ पे जीरो लिख दिया, फिर आप क्या करते हैं, बोथ हाफ साइड एंटी लॉग लेते हैं इस लॉग को खत्म करने के लिए, तो जीरो का एंटी लॉग वन होता है, तो एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका, बस क्या होगा, बट उससे भी आंसर ये आएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 14 आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, एक लंबी चौड़ी इक्वेशन दी हुई है और उसमें एम की वैल्यू पूछी, तो अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो इट विल टेक सो मेनी टाइम, इट विल टेक, आपको इसमें बहुत सारे स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और इसका आसान रूल क्या है, आप ऑप्शन ए उठाएं जीरो, उसको इक्वेशन में एम की जगह पुट कर दें और देखें अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाती है तो उसको टिक कर दें, अदरवाइज उसको इग्नोर कर दें। फिर ऑप्शन बी उठा लें, -1 एम की जगह पुट करें, फिर +1 एम की जगह पुट करें, और अगर कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा आपकी इक्वेशन को तो नन को टिक कर दें। तो ये ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लेंगे, अगर हम ऑप्शन पुट करके चेक कर लें, क्योंकि कैलकुलेटर हमारे हाथ में होगा, हम ऑप्शन पुट करके फौरन उसका आंसर कंप्यूट करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो काम आप इजीली कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 14 में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एम की वैल्यू बतानी है, पहले आप एम को 0 पुट करें, एम को -1 पुट करें, एम को +1 पुट करें, अपने क्वेश्चन को चेक करें किस पॉइंट पे आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो रहे हैं। वैसे मैं आपको इसका ऑप्शन बता देता हूँ, इसका ऑप्शन डी है, नन, कोई पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो नन है इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर लॉगरिथम आ गया, क्वेश्चन 15 देखिएगा, 14 आप खुद कर लेंगे, 15 देखिएगा, 3 log x -4 log y
और प्लस 2 log xy इज इक्वल टू लॉग जी। ओके जी, ये आपको एक इक्वेशन गिवन है लॉगरिथम्स की, और इसको आपने सॉल्व करना है आपने जी की वैल्यू कंप्यूट करनी है इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। इसका क्या मतलब है, जी की वैल्यू कंप्यूट करनी है इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। इसका मतलब यह है कि आपने लेफ्ट साइड पे जी रखना है और एक्स और वाई वाली जो भी टर्म है उसको राइट साइड पे रखना है। सिंपल, जेड की वैल्यू निकालनी है आप, तो जब किसी एलिमेंट की वैल्यू निकालते हैं ना उसको एक साइड पे रखते हैं। अब उसने जेड की वैल्यू पूछी है तो हम जेड को एक साइड पे रखेंगे, बाकी सारी टर्म को उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो इसका मतलब होता है जेड इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, जेड का आंसर एक्स वाई की शेप में लिखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें लॉग आ रहा है इक्वेशन में, तो लॉग को खत्म करेंगे। लॉग खत्म कैसे होगा, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, इस पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, देखें ये बेस में आए हुए हैं, इसको ले जाएं इसकी पावर में, तो ये बन जाएगा लॉग एक्स क्यूब। सिमिलरली इस पे भी लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, 4 बेस में आया हुआ है, इसको इसकी पावर में ले जाएं तो ये बन जाएगा माइनस लॉग वाई क्यूब। एंड सिमिलरली इस 2 को भी इसकी पावर में ले जाएं तो ये बन जाएगा प्लस लॉग एक्स इंटू वाई होल की पावर 2। दो लॉग के बीच में नेगेटिव है तो क्या मतलब होता है इसका, एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब। दो लॉग के बीच में प्लस आ रहे हैं, प्लस का मतलब क्या होता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में तो अब इसका आंसर क्या हो सकता है, अब इसको कैंसिलेशन करें, ये वाई क्यूब है, यहां से वाई स्क्वायर आएगा तो वाई स्क्वायर वाई क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक वाई बच जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर आएगा, यहां से एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब ये बन जाएगा x5। तो मैं इसको यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, ये बन जाएगा आपके पास लॉग x5 अपॉन वाई। बोथ ऑफ साइड एंटी लॉग लेके लॉग को खत्म कर दें तो आपके पास आ जाएगा x5 अपॉन वाई इज इक्वल टू जी। तो सही कहा था ना, जी की वैल्यू निकालें इन टर्म ऑफ एक्स वाई, तो ये जी का आंसर आ गया। ऑप्शन देख लें कौन सा ऑप्शन बन रहे हैं। ऑप्शन क्या बन रहे हैं, x5 अपॉन वाई स्क्वायर, x5 अपॉन वाई का स्क्वायर। x5 अपॉन वाई का स्क्वायर 3 log x माइनस 4 log y। ओके ओके, एक एक छोटी सी मैंने मिस्टेक की थी यहां पर, यहां पे 4 log y है तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 है ना, तो ये वाई 4 हो जाएगा, तो ये वाई 4 का मतलब हो गया वाई 4। तो वाई स्क्वायर जब वाई 4 से कैंसिल होगा तो यहाँ पे स्क्वायर। ओके जी, तो x5 अपॉन वाई स्क्वायर आपका ऑप्शन बन रहा है डी। तो इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट। फिर मैं आ जाता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का ही है, उसको देखें, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन जो है ये एडिटिव सारे लॉगरिथम्स के क्वेश्चन हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा
फिफ्टीन, फिफ्टीन के बाद हम आएंगे सिक्सटीन की तरफ। सिक्सटीन में आपको गिवन है ए प्लस बी इंटू लॉग एक्स ए अपॉन एक्स बी, प्लस बी प्लस सी लॉग एक्स बी अपॉन एक्स सी, प्लस सी प्लस ए लॉग एक्स सी अपॉन एक्स सी। ओके जी, ये हमारा क्वेश्चन है, नंबर 4 क्वेश्चन है। और इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है, ये एक्सप्रेशन है, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाकर इसका आंसर बताना है कि इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म का आंसर क्या होगा। तो दिस इज एन एक्सप्रेशन, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ए प्लस बी पहले आप इस पे एक्सपोनेंट रूल अप्लाई करते हैं, जो मैंने कल आपको सेंड किए थे, बेस सेम है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी पावर यहां पर उसमें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो कल मैंने फॉर्मूले आपको सेंड किए थे, बेस अगर सेम है डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस होंगी, बेस अगर सेम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड होती है। तो यहां पे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दोनों बेस सेम है तो इनकी पावरें माइनस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। फिर लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, ये बेस में लिखा हुआ है, इसको उठा के इसकी पावर में ले जाए, इसको उठा के इसकी पावर में ले जाए, इसको उठा के इसकी पावर में ले जाए। तो यहां पे अब लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करने हैं, लॉग एक्स ए माइनस बी पावर ए प्लस बी, बी प्लस सी लॉग पावर लॉग एक्स बी माइनस सी, ये इसकी पावर में आ जाएगा, बी प्लस सी सी प्लस ए ये इसकी पावर में आ जाएगा, लॉग सी माइनस ए की पावर सी प्लस। तो मैंने क्या किया, ये जो बेस में लिखा हुआ था लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की, ये जो बेस में था ये इसकी पावर में आ जाएगा, ये बेस है ये इसकी पावर में आ जाएगा, ये बेस है ये इसकी पावर में आ जाएगा। अब फर्स्ट लॉग, सेकंड लॉग, थर्ड लॉग, तीन लॉग हैं, इनके बीच में देखें प्लस का साइन आ रहा है, तो क्या करेंगे, लॉग लिखकर इन सब को मल्टीप्लाई कर, एक्स ए माइनस बी ए प्लस इंटू बी माइनस सी बी प्लस इंटू सी माइनस ए सी प्लस। लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की, अगर बीच में प्लस आ रहे हैं तो टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। फिर यहां पे मैंने एक और एक्सपोनेंट रूल आपको डिफाइन किया था कल वाले फार्मूलाज में, पावर के ऊपर पावर आ जाए तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर किसी एलिमेंट के ऊपर पावर पे पावर आ जाए तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी माइनस सी बी प्लस सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी माइनस ए सी प्लस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास एक पॉपुलर फार्मूला डिफाइन हो रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो उसको आप लिखते हैं एक्स एस पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी, एड हो जाएंगे।
पावर जब ऐड होंगी, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लॉग एक्स की पावर जीरो आ जाएगा। लॉग एक्स की पावर जीरो क्या होता है? वन होता है। लॉग वन क्या होता है? आपका आंसर हो जाएगा इस पूरी एक्सप्रेशन का जीरो। जीरो ऑप्शन देख लें कहाँ है, ऑप्शन ए में इसका आंसर जीरो लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए होगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, हमारे पास टाइम कम है, 17 आसान है, उसको भी देख, वैसे तो सारे आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 17 में दिया हुआ है आपको लॉग बेस 5 ऑफ एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू, सॉरी, माइनस लॉग 5 बेस एक्स इज इक्वल टू 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, उसने आपसे एक्स की वैल्यू पूछी। तो अब हमारे पास यहां पे लॉग देखें बेस 5 का आया है, बट दोनों में बेस 5 है। तो अब आप यहां पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, दो लॉग के बीच में माइनस है, तो क्या करेंगे इनको आपस में डिवाइड कर, दो लॉग के बीच में माइनस है, इसको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। नाउ दिस इज लॉगरिथम इक्वेशन, मुझे इसमें से लॉग को खत्म करना है, मुझे इस इक्वेशन में से लॉग को खत्म करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स प्लस 12 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर 1। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था इंट्रोडक्शन में, अगर 2 की पावर 3 8 हो तो हम इसको लॉग शेप में कैसे लिख सकते हैं, 2 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं वापस रिवर्स। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में ये गिवन है और मैंने इसको ये लिखा है, ये गिवन था, मैंने ये लिखा है, इसमें से लॉग को खत्म किया। तो लॉग को कैसे खत्म करते हैं, ये जो बेस होता है ना ये यहां पर शिफ्ट हो जाता है और ये इसकी पावर बन जाती है और इक्वल्स टू 8 हो जाता है, लॉग खत्म हो जाता है। देखिए ये यही चीज मैंने यहां पे अप्लाई की, ये 5 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये उसकी पावर में आ जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा, लॉग यहां से खत्म हो जाएगा। अब ये इक्वेशन है आपके पास, ये इक्वेशन यहां से एक्स निकालना, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है, माइनस एक्स इक्वल टू 12, 4x इक्वल टू 12 और यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 3। ऑप्शन देख लें, ऑप्शन इज डी। तो मैंने 17 तक कर लिए, 18 भी लॉग वाला है, 19 भी लॉग वाला है, आप उसको देखिएगा, ठीक है, आई थिंक आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन लॉग के सॉल्व कर लिए ना, तो अब आप 18 भी कर सकते हैं, 19 भी कर सकते हैं, कीजिएगा, नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी सैटरडे को, हम यहीं से ऑनवर्ड जो है इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और 20, 21, 22 उनको भी देखेगा, आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है, जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उनको बिल्कुल करें, आपको राइट है, आप सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा तो मैं अपनी क्लास जो है वो 18 से स्टार्ट करूंगा, आपने सॉल्व करने कर लें, बट मैं अपने 18 से स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास सैटरडे। ओके जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपके जो है डिफरेंट क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो थोड़ा सा रह गया। ओके जी, m माइनस 2 वो चेक कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आ रही है m की वो आप चेक कर लीजिएगा। टेन रेज टू पावर 10 उसका क्या होगा लॉग, देख लो आप, इसको कंप्यूट करना है ना, तो आप इसको लिख सकते हो लॉग ऑफ
10 10 10 क्या होता है, 10 0 आ जाएंगे ना इसमें, तो आप यहाँ लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लॉगरिथम इक्वेशन बन जाएगी इसकी। क्या है इसमें, तो मुश्किल तो नहीं है, पूछ रहे हैं। ओके जी, एल एन ई 1 होता है ना, मैंने अभी तो बताया एल एन क्या होता है, लॉग बेस ई होता है, और जिस बेस का लॉग जिस एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं अगर वो सेम एलिमेंट है तो उसका आंसर 1 हो जाएगा, LnE1 के इक्वल होता है। देखें लॉग समझ में नहीं आया, क्यों नहीं समझ में आया ये तो मुझे नहीं पता। बहरहाल अगर कोई ऐसी कोई कंडीशन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे बताएं कि लॉग आपको कहाँ से समझ में नहीं आया, फिर मैं वहां पर आपको डिटेल में, और अगर मुझे इसकी वीडियो सेंड करनी पड़ी तो मैं इसकी वीडियो भी सेंड कर दूंगा। मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे बताइएगा कि लॉग आपको क्यों समझ में नहीं आया, ठीक है। हाँ वो मैंने सही कर दिया था, पावर 4 थी 15 क्वेश्चन, वो मैंने सही कर दिया। भाई हमारा टॉपिक ही बेसिक्स मैथमेटिक्स का है तो बेसिक्स तो होगा ना इसमें, टॉपिक ही हमारा ही है तो बेसिक्स तो होगा। log y की पावर 4, log y की पावर 3 कैसे आएगा, ये आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन सेंड करें, मैं आपको वहां पे डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे आएगा। मेरी क्वालिफिकेशन से आपको क्या करना है, आपको जो चीज समझाई जा रही है वो समझें, क्वालिफिकेशन आपने क्या करनी है। ओके जी, ये आपके क्वेश्चन से, और इसमें कुछ स्टूडेंट ने जैसे क्वेश्चन पूछा है कि दोबारा समझा दें या समझ में नहीं आ रहा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे सेंड करें, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास टाइम कम होता है तो वहाँ पे फिर मैं आपको डिटेल में जो है वो समझा देता हूँ। और कुछ स्टूडेंट ने फिर वही अपने जो है रिवाज को बरकरार रखा है, सर ये बहुत बेसिक्स है, तो बेसिक्स है तो फिर ठीक है, बेसिक है तो नहीं पढ़ो, फिर जब बेसिक्स खत्म हो जाएगी फिर आ जाना क्लास में, मैं यही कह सकता हूँ अभी आपसे, और तो मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है सर ये बेसिक्स है, तो टॉपिक का नाम ही बेसिक है तो बेसिक्स तो होगा ना भाई मेरे, जब टॉपिक ही हमारा बेसिक्स चल रहा है तो बेसिक्स तो इसमें होगा, बेसिक्स में हम डिफिकल्ट पढ़ेंगे और डिफिकल्ट में जाके बेसिक्स पढ़ेंगे, ऐसे होगा नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये मेरा इशू है आपका इशू नहीं है, आपको जो चीज समझाई जा रही है आप वो पढ़ें, ठीक है आप वो पढ़ें, मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा कितना टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्लास में जब यही हम एमसीक्यूज करेंगे ना फिर मुझे बताइएगा कि इसमें कितना टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होता, आप अपने तौर पे सोच लेते हैं, ऐसा नहीं होता, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, मुझे पता है कितना टाइम लगेगा। ओके जी, ये आपके क्वेश्चन आंसर थे, तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और बाकी जो आपके जो भी क्वेश्चन है वो मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं वहां पे आपको डिफाइन कर दूंगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।